गडरिया लोहारों की स्थिति, वर्तमान समाज में उनका स्थान और देश में इस ख्याति को लेकर आ रहे परिवर्तनों को अब राजस्थानी फिल्म संक्रांत में देखा जा सकेगा। आर्यू आर्यन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस मूवी का मुहूर्त शॉट शुक्रवार को पिंक सिटी में फिल्माया गया। इससे पहले जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना, फिल्म प्रोड्यूसर भवानी सिंह और फिल्म के स्टार कास्ट ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना करी। इस मौके पर जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना ने कहा कि गडरिया लोहारों का एक पुराना इतिहास रहा। इस कास्ट के हुनर को विदेशों तक पहचान मिली है, लेकिन आज दयनीय स्थिति से समाज गुजर रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले को लेकर आगे आना चाहिए। पहले तो गाड़िया लोहार की जो परंपरा है वो राजस्थान से शुरू हुई है, और आपको एक नई चीज बताऊं, ये गाड़िया लोहारों की परंपरा से यूरोप में जो जिप्सी हैं, जो म्यूजिक का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो सब यहीं से गए हुए लोग हैं। गाड़िया लोहार और अपने राजस्थान के कालबेलिया और ये लोग जो थे, इन्हीं से निकले हुए वो लोग पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में म्यूजिक में छाए हुए हैं। गाड़िया लोहारों की स्थिति चिंताजनक है, उनके लिए स्थायी आवास की व्यवस्था सरकार बोलती है लेकिन इवेंचुअली होता कुछ नहीं है। आशा है इस फिल्म के माध्यम से प्रोड्यूसर्स इस पे ध्यान देंगे और सरकार की नजर में चीज आएगी और ये सामाजिक जो चेतना उठाने का कार्य है वो किया जाएगा। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा तो शंखनाद जो शब्द है वो अपने आप में एक आगाज का प्रतीक है और ये संस्कृत से निकला है, और पुरखों से जब भी किसी बड़े चीज का आगाज किया जाता था उसको शंखनाद बोलते थे कि शंखनाद हो चुका है, अब जीत पक्की है। और ऐसा सब्जेक्ट चुनने के पीछे दो बड़े रीजन है। हम राजस्थानी सिनेमा पिछले कई सालों से कर रहे हैं, कमर्शियल फिल्में बना रहे हैं और काफी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हमने, बट कहीं ना कहीं हम लोग जब सर्वे पे पहुंचते हैं तो आजकल वो फिल्में ज्यादा सराही जाती हैं जो क्रिटिक्स की नजर में फेवरेट हों। आर्टिस्ट सरवन जी के साथ काम करके बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। काफी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं अरविंद जी की मूवीज में, और कई राजस्थानी मूवीज किया है मैंने इससे पहले, और डीडी नेशनल का भी एक शो चल रहा था मेरा 200 करोड़ की बोतल, और अब भी फिर से मेरे राजस्थान में, मैं खुद राजस्थान से हूँ, राजस्थान ही कल्चर पे और सरवन जी के साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिल्म में मैं सरवन सागर जी से फर्स्ट बार जुड़ी हूँ और मुझे इस बार मिलके बहुत अच्छा लगा है। एंड जो उन्होंने मुझे रोल दिया, मैंने अभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, बस इतना बताया था उन्होंने मुझे कि एक पत्रकार का रोल दिया है। तो जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट बार काम कर रही थी, कॉन्फिडेंस होता है मन में बहुत ज्यादा, तो मुझे वो है और मैंने बिना कुछ पढ़े